छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती परचेज करना था वो हमने परचेज करके गाड़ियाँ करवा के हमने भिजवा दिए। और फिलहाल अभी जब मैं तक घर जा रहा था तो रास्ते में एक युवा मंच का पंडाल नजर आया, जो कि बेसिकली जिस प्रकार सूरज भैया अपने मोहल्ले में प्रसाद का वितरण करते हैं छठ पर्वियों के लिए, मैं फिलहाल अभी वही व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए अब सीधे मैं आपको युवा मंच का जो पंडाल है वो दिखाता हूँ कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, किस प्रकार वो लोग व्यवस्था करते हैं। और बताना चाहूँगा कि आज है दिनांक 29 अक्टूबर 2022, सुबह के लगभग 12 या लगभग 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा है। तो चलिए मैं फिलहाल भजन पाली के मोर पे खड़ा हूँ, आपको अब सीधे ले चलते हैं वो युवा मंच की ओर। फिलहाल जो भी आप दृश्य देख पा रहे हैं ये बेसिकली एक युवा जागृति मंच के द्वारा बजरंगपुरी कॉलोनी, हमारे घर के नज़दीक बजरंगपुरी कॉलोनी के एक मोड़ पे ये बेसिकली एक मंच लगाया गया है जहाँ पर प्रसाद वितरण का काम चल रहा है। आज खरना का द्वितीय दिवस है, आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का, जिसको खरना के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली सुबह सुबह जो हमारे छठ व्रती हैं वो गंगा घाट जाते हैं स्नान करने के लिए और वहाँ से लौट रहे होते हैं, तो लौटते वक्त ये सारे कार्यक्रम ये युवा जागृति मंच के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें वो बेसिकली सूप और नारियल और कुछ हरे फल का वो वितरण कर रहे हैं हमारे छठ व्रतियों को। कभी कभी क्या होता है कि कुछ परेशानियां बस कुछ लोग अपने घर में छठ व्रत तो कर पा रहे होते हैं बट पैसों की कमी के कारण वो पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाते, जिस कारण से इस प्रकार लोग अपने अलग अलग एरिया में अपने अलग अलग जगह पे इस तरह का मंच लगाते हैं अपने एक ग्रुप के थ्रू, एक संस्थान के थ्रू, और वो बेसिकली इस प्रकार से प्रसाद का वितरण करते हैं। अभी जो कुछ आपको ये दृश्य दिख पा रहा है ये बेसिकली उसी का है। तो चलिए कुछ वीडियो क्लिप एंजॉय करते हैं। युवा मंच पे मौजूद मैं सारे लोगों को अपने दिल से, अपने सारे परिवार की ओर से, और जो भी लोग छठ महापर्व को कर रहे हैं अपने घर में, जो भी छठ मैया की आराधना कर रहे हैं, मैं उन सारे लोगों की तरफ से इस मंच पे मौजूद सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने इस प्रकार का ये कार्य संपन्न किया जिससे हमारे छठ व्रतियों को कुछ मदद हो पाए। और इनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए, ये जितने भी लोग इस मंच पे मौजूद हैं इनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, और ये हमेशा काबिले तारीफ है। मैं दुआ करता हूँ छठी मैया से कि इन सभी के घर में और हम सभी के घर में छठी मैया हर साल इसी प्रकार पधारे, हमारे घर में खुशियों का भंडार भर दे, हमारे परिवार को हमेशा सुखी रखे, समृद्ध रखे और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
सुबह 3 बजे निवेदन है, गाड़ी से गाड़ी पर से सूप ना ले, बहुत सारी असावधानियाँ होती है, गाड़ी आगे बढ़ जाता है, सूप ना लिया रोड पे गिर जाता है। The next day. Hello and welcome दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से स्वागत है आप लोगों का बस यूवी के इस नए दिन के सफर में। आज दिनांक है 30 अक्टूबर 2022 और मैं फिलहाल नानीघर आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, कल द्वितीय दिवस दूसरा दिन बीत चुका है छठ महापर्व का, जो कि एक्चुअल में खरना के नाम से जाना जाता है। जिस दिन मीठा खीर बनता है, रोटियां बनती हैं और वो प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। कुछ कारणवश मैं कल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सुबह की कुछ वीडियो है हमारे पास जो कि इस फुटेज में आपको पहले देखने को मिल गई होगी। और अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ ऊपर छत पे, जहाँ पे भी जो भी छठ पर्व का आज जो सांझ का अर्घ होगा उससे रिलेटेड अभी प्रसाद की तैयारियाँ चल रही है, जो कि मैं अब सीधे आपको वहाँ ले चलता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ें चल रही है। और चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों देखिए, फ़िलहाल जो भी कुछ आपको ये दृश्य दिख रहा है हमारे बैक कैमरे पर, ये सामने जो भी आप देख पा रहे हैं, इसे बेसिकली हम लोग बिहार में ठिकुआ के नाम से जानते हैं, जो कि आटे से और घी से बनाया जाता है। और इसके साथ साथ और भी प्रसाद की तैयारियां होती है और कुछ हरे फल भी हमारे यहाँ आते हैं, जो कि सुबह सुबह ऑलरेडी 7 बजे आ चुका है। मैं उस समय उठा था बट वीडियो नहीं बना पाया और फिर वापस हो गया और अभी उठाऊँ। और अभी फ़िलहाल सामने हमारी बड़ी मम्मी या हमारी बड़ी मामी बैठी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं बेसिकली छठ महापर्व के बारे में। तो मामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया दूज के बाद से शुरू, हाँ, उसी दिन से पर्व मनाया जाता है आदमी की, अब पर्व आ गया है। जैसे कि अब गाय डार के बाद हो जाता है, गेहूँ सूखता है, गेहूँ लाता है आदमी, क्या देरी है, चूल्हा बनाना है, ये लाना, दीपावली से एकदम छठ तैयार हो जाता है। तो दीपावली के बाद से ये छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अभी ये 2 दिन में क्या क्या होता है आप कुछ बताना चाहेंगे? अब ये 1 दिन बना खरना वाला खीर पूरी बना, जो कि कल ऑलरेडी बीत चुका जी, शुरुआत हुआ चना का दाल भात कद्दू बचका जो बना सब्जा सब्जी नहाए खाए के दिन से जी। दूसरा दिन हुआ वही खीर पूरी बना, सामने पूरा साफ सूफ करके आदमी प्रसाद ग्रहण किया अपना खाया। और आज सांझ का अर्घ है, हाँ आज पहली पूजा है, तो अब बनेगा ठेकुआ पचमनिया लड़ुआ पूरी सब बनेगा अपना, लड़ुआ बना गए बना के अपना भगवान के सूर्य भगवान के अर्घ दिया जाएगा, पूजा किया जाएगा। ये बेसिकली अभी आप क्या बना रहे? अभी ठेकुआ बना रहे हैं पूजा के लिए। और ये क्या क्या चीजों के मिश्रण से बनाया जाता है? इसमें है आटा है जी, शक्कर है, घी है, बेसिकली ये मीठा मीठा प्रसाद होता है, मिट्टी के चूल्हा पर बनता है, मतलब शुद्धता का ध्यान रखते हुए ये मिट्टी के चूल्हा पे बनता है, नया नया चूल्हा सब चीज नया रहता है। ये इस प्रकार सांचे में इसको ढाला जाता है, इधर हमारी बड़ी दीदी बैठी हुई है और इसको सांचे में ढाल रही है। हमारे नानी घर में ये मेरे बचपन के समय से मैं देखता आ रहा हूँ, पहले हमारी नानी माँ किया करती थी, उसके बाद हमारी बड़ी मम्मी बड़ी मामी ने शुरू किया और अभी फ़िलहाल हमारी एक छोटी दी है राखी दी, जो कि आज आपको सांझ के अर्घ वाले में वो आपको देखने को मिलेंगे कैमरे में। और अगर मौका मिला तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे छठ महापर्व के बारे में, कैसे उन्होंने ये पर्व का शुरुआत किया। और फिलहाल ये कुछ प्रसाद का दृश्य। मतलब ये विशेषता है कि आम की लकड़ी पे ही बनेगी। छठ महापर्व के बारे में कहा जाता है कि इसमें शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना होता है, शुद्धता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ नियम बहुत कड़े रूप से अपनाए जाते हैं और यही नियम है जिनसे हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हमसे हमेशा सदा खुश रहते हैं और हमारे घर में धन, हमारे घर में खुशी, हमारे घर में
स्वास्थ्य और हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं हमारे छठी मैया। स्वास्थ्य छठ करब हम हर बार डूब तो सूरज ये कुछ दृश्य आप भी आपने देखा जो कि एक प्रसाद की तैयारी चल रही थी। और अब चलता हूँ मैं नीचे और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी हमारे भैया और जो भी हमारे भाई लोग नीचे बैठे हैं और दीदी लोग नीचे बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छठ महापर्व में बेसिकली उनमें किस प्रकार की खुशी और किस प्रकार का उत्साह है ताकि आप देख सकें और महसूस कर सकें कि छठ महापर्व कितनी खुशियों भरा होता है जब हमारा पूरा परिवार एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा होता है इस महापर्व को मनाते हुए देखने के लिए मनाने के लिए विशेषकर। और इस महापर्व में हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्य कर ही रहा होता है। तो चलिए नीचे चलता हूँ और नीचे अपने फैमिली मेम्बर से आपको मिलाता हूँ। हाँ जी, तो फिलहाल हमारे सबसे छोटे मेहमान से मिलिए जो कि फिलहाल है हमारे अंश भैया। अंश भैया किसके भैया हैं? हनी के भैया हैं। हनी के भैया है ना? हाँ, ये हनी के भैया हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से मिलाते हैं आपको। तो और अंश क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाँ सही में टीवी देख रहे हो। अच्छा, छठ में जाना है? क्या हो रहा है अभी ऊपर? छठ हो रहा है। कल प्रसाद खाए थे? खीर और पूरी खाए थे। अच्छा लगा था? स्कूल जाते हैं आप? स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं? घर में पढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ABCD सुनाइए। हो गया? बड़ा जल्दी हो गया। जानी जानी यस पापा, इतनी चुलन ना पापा, ये लिंग ना पापा, इतनी माँ हा। कैसे हा हा हा? हा हा हा। अरे तो फिलहाल मैं वापस से छत से नीचे आ चुका हूँ और जैसा कि अभी आप लोगों ने अंत से मुलाकात की और अब मैं फिलहाल आ चुका हूँ जहाँ पे प्रसाद की द्वितीय चरण का काम चल रहा है जिसको बेसिकली हम लोग बिहार में लरुआ के नाम से जानते हैं और उसका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। और ये सामने हमारी राखी दी जिन्होंने बेसिकली छठ माई का पर्व रख रखा है और अभी मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या क्या चीज़ों का मिश्रण होता है। और ये तो राखी दी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दोस्तों को हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं यूट्यूब पर उनको ये बताएं कि बेसिकली ये क्या चल रहा है अभी। ये हमारे लरुआ इसे तैसे हम लोग बोलते हैं कचमानी। कचमानी? हाँ। अच्छा, सूप पे इसे रखा जाता है पांच पांच करकर और इसे हम लोग अपने भाषा में लरियो और कसार भी बोलते हैं। कसार? हाँ। और इसे हम चावल के आटा से बनाते हैं। चावल के आटे से? हाँ, चावल okay. से चावल को फुलाकर धोकर चक्की में पीस कर और इसमें आटा बना लेते हैं जब उसका उसमें मीठा जिसे गुड़ भी बोला जाता है और गंगा जल से ही घी शुद्ध घी इसमें डालकर हम उसे बनाएंगे और सूप पे रखेंगे ठेकुए के साथ इसे ठेकुआ जो कि अभी मैंने आपको ऊपर छत पे दिखाया था जो बेसिकली अभी आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। ये सारे प्रसाद जो छठ महापर्व में जो छठ व्रती लोग अपने हाथ में सूप लेकर जो आराधना करती हैं उन पे ये सारे प्रसाद रखे जाते हैं और इनके साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत होती है। चलिए तो दीदी ये कैसे और कब से शुरू किया आपने ये छठ महापर्व? ये तो मैंने पिछले ही साल से शुरू किया है। लास्ट ईयर से शुरू किया आपने? हाँ। क्या कुछ रहा इसके पीछे, क्या वजह रही? वजह यही कि जब वही कि भगवान छठी माई से अनुरोध है कि मुझे बेटा होगा तो मतलब किया जाएगा जी, मतलब यही वजह है। तो वही जब मेरा बेटा टाइगर हुआ तो सोचे कि अब भगवान को क्यों ना भगवान से जब पूरा हो गया हर चीज तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि ये नॉर्मली हमारे घर में जो भी होता है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हमारे यहाँ धन, हमारे यहाँ खुशी, हमारे यहाँ हमारे स्वास्थ्य और हमारे पूरे परिवार को सोचकर हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के इनफैक्ट पुरुष भी इस महापर्व को बहुत ही चाव से मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा कि अभी राखी दी ने बताया कि वो बेसिकली बच्चे की खुशी के लिए उन्होंने इस छठ महापर्व को अपनाया है और लास्ट ईयर से ये इसको धूमधाम से मनाती आ रही है। और फिलहाल ये कुछ है आपके सामने दृश्य, चलिए कुछ विजुअल आप एंजॉय कीजिए।
ये क्या है? तुलसी पत्ता। हाँ जी, तो अभी राखी दी जो कि टाइगर का जिक्र कर रही थी, आगे चल के मैं आपको टाइगर को भी वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल अंश तो आए हैं वीडियो में, टाइगर भी आएंगे जो कि हानि के एक बड़े भैया के रूप में है वो भी, और उनसे भी मुलाकात कराई जाएगी। साथ हमारी बड़ी दी जो कि भी आप उनसे मिल चुके हैं, और उधर हमारे भाभी साहब। और भाभी साहब क्या चल रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। सब्जी बना रहे हैं? किस चीज़ की सब्जी बन रही है भाई? आलू गोभी। चलिए आपको दिखाते हैं सब्जी किस प्रकार बन रही है। फिलहाल तो सब्जी बन रही है। फिलहाल तो सब्जी ढकी हुई है भाई, जब उठेगी उसका परत तो दिखाया जाएगा। और भाभी छठ के लिए कैसी खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है। तो आपके घर में भी छठ होता है ना? नहीं, बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो छठ का एंजॉय आप यहीं से कर रहे हैं या घर में कहीं जाते थे आप? नहीं, यहीं से करते, फुआ के यहाँ। अच्छा, आपकी फुआ के यहाँ होता था। ये देखिए फिलहाल कुछ आई थिंक आलू गोभी समथिंग का सब्जी है। ये कुछ आप देख रहे हैं जो कि उसका एक मोटा मोटी एक आटे की तरह तैयार किया गया है, जिसे हम लोग आटे के लिए बेसिकली आटे को गढ़ते हैं, उस प्रकार इसको कुछ गढ़ा जाता है और मुट्ठी में लेकर इसको एक शेप दिया जाता है लड़ुआ के रूप में, जो कि बेसिकली आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लड़ुआ का ये एक्चुअल रूप हुआ। छठी माई का कोई गीत हो जाए राखी दी। महंगी लचकत जाए बात दे पूछ ले बाटोनिया महंगी की न काक जाए महंगी की न सारन तू तो आना हो ये रे बाटोनिया महंगी सखी जो बाबा के महंगी सखी मन के रे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूर छाए तो देख सकते हैं ये कुछ माहौल होता है छठ महापर्व को लेकर। मन में इतनी सारी खुशियाँ होती है, इतनी सारे ख्वाब होते हैं, इतने सारे सपने होते हैं जिसको छठी मैया हमेशा सुनती हैं, और अपनी आराधना करने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद वो प्रसन्न होकर हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि धन एवं हमारे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, हमारे परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है और परिवार के लिए ही सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं छठ महापर्व की तैयारी किस प्रकार होती है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो ये कुछ दृश्य था जो कि मैंने आपको अभी कैमरे पे दिखाया, और अब बेसिकली इस वीडियो की समापन यहीं करते हैं। आज ये तीसरा दिवस है, आज शाम में शाम का अर्घ दिया जाएगा, सूर्य भगवान की शाम में आराधना की जाएगी, उसका वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। ये वीडियो आपको आज ही शाम तक आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, इसमें बेसिकली कल के दिन की थोड़ी सी क्लिप होगी और कुछ आज की क्लिप होगी, जो कि ये दो दिनों का मिलाकर एक वीडियो बनेगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से जाते जाते बस इतनी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे वो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में एक घंटा है, घंटा दबा दीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और बस यही थे आज के दिन का सफर, बस यहीं तक, मिलेंगे अगले दिन अगली किसी वीडियो में। फिलहाल के लिए